इस तरीके का चमकदार काला लंबा और बहुत ही मजबूत घना बाल पाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आज का ये मैजिकल हेयर शैम्पू DIY ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, कॉफ़ी पाउडर लेना है, कोई भी कॉफ़ी पाउडर जो 2 रुपये का आता है ना, कोई भी ले सकते, 2 रुपये वाला, 1 रुपये वाला, जो भी आप कॉफ़ी पीते हैं उससे आपको यूज़ करना है दोस्तों, और वही आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। कॉफ़ी पाउडर क्या करता है, इसके अंदर कैफीन होता है जो हमारे बालों की मजबूती को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है, बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता है, बालों की जो सफ़ेद हो रहे बाल होते हैं, ग्रे हो रहे बाल होते हैं, उसको भी ये कवर करता है। कॉफ़ी पाउडर हमारे बालों की ग्रोथ को भी बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता है, बालों की स्कैल्प को मजबूत करता है और बालों में एक अलग सा कलर लेके आता है, जिससे आपके बाल बेहद चमकदार, बहुत ही ज़्यादा शाइनी, बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको 1 से 2 चम्मच जो है, कम से कम 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले, और कॉफ़ी पाउडर को इस्तेमाल किस तरीके से करना है आपको मैं बताती हूँ। तो किसी भी बर्तन में आप ले सकते हैं, उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको ऐड करना है आपका कोई भी फेवरेट शैम्पू, जो भी आप अपने बालों में यूज़ करते हैं। दोस्तों शैम्पू में बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, लेकिन शैम्पू में हमेशा रिकमेंड ऐसा करती हूँ जो कि आपके बालों के लिए अच्छा हो, बहुत ही कम केमिकल वाले होते हैं। मार्केट में बहुत सारे शैम्पू जो बहुत ही ज़्यादा केमिकल है, बहुत ही महंगे भी आते हैं, लेकिन आपको नेचुरल जो होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, उस सभी शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और वीडियो के अंदर भी आपको टैग मिलेगा। अगली सामग्री आपको लेनी है नींबू यानी लेमन जूस। लेमन जूस हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है, बालों में शाइन लेके आता है, बालों की जड़ों से डैंड्रफ इन्फेक्शन की समस्या को ख़त्म करता है, हमारे बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। बालों में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है तो हमारे बालों को सफ़ेद कर देगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे बालों को ज़्यादा क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में, आधा नींबू का रस ही आपको ऐड करना है इसके अंदर, आपके स्कैल्प को साफ़ करेगा, सुथरा करेगा, आपके स्कैल्प से डैंड्रफ की जो समस्या है उसको ख़त्म करेगा, बालों की मजबूती को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएगा। तो आधा नींबू का रस इसके अंदर डाल देना है, उसके बाद इसमें आप डाल सकते हैं पानी, आधा कप पानी आप ऐड करिए, बहुत ही ज़्यादा नहीं, आधा, छोटे वाला कप होता है ना उसका आधा जो है आपको पानी डालना है, और फिर इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से आप इसको मिक्स कर सकते हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा शैम्पू रेडी हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही वायरल हो रहा है आजकल इस तरीके का वीडियो, कॉफ़ी वाला जो कि आप शैम्पू में यूज़ करके लगाते हैं, आप देखिएगा बहुत सारे रील्स हो, बहुत सारे वीडियोज़ में दिखाते हैं इस तरीके का वीडियो जो है वायरल होता है, कॉफ़ी में शैम्पू ऐड करके लगाने का, सच में बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। मैंने खुद पर भी ट्राई किया दोस्तों, मेरे बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी है, बालों की स्कैल्प बहुत ही मजबूत है, बाल बहुत ही चमकदार है, बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी है। तो शैम्पू जैसे रेडी हो जाए, उसी शैम्पू से दोस्तों आपको अपने बालों को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के दौरान आपको ध्यान रखना है कि तुरंत इसको वॉश ना करें, 10 मिनट लगा रहने दे अपने बालों में, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर ले दोस्तों, करके देखिए बाल आपके बेहद चमकदार, बहुत ही ज़्यादा शाइनी सिल्की हो जाएंगे, बिल्कुल मेरे बालों की तरह, देख सकते हैं कितने खूबसूरत, कितने अच्छे बाल हैं। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है, और अगर लगे कि आपको आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल है, वीडियो अच्छा है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, करिए, और महीने भर में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ट्राई करके देखिए, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ऐसे वीडियोस अगर आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शॉर्ट्स वीडियोस के लिए आप मुझे रील्स पे फॉलो कर सकते हैं, शॉर्ट्स जैसे कि यूट्यूब शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम रील्स है, सभी जो है अच्छे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बाय बाय।